वेलकम बैक हमने क्लास ट्वेल्थ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एस पी का चैप्टर वन स्टार्ट किया है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस पिछले वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है इस वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस का ये लास्ट टॉपिक है देख लेते हैं क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर सो कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है पैसों की ज़रूरत पड़ती है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चलाने के लिए तो हम कहाँ से पैसे लेके आएंगे कहाँ अपने खुद के पैसे डालेंगे या फिर हो सकता है कहीं से हम बोरो करें पैसे किसी से लोन लें तो कैसे कंपनी में पैसे इकट्ठा होंगे कैसे आएंगे सो दैट कंपनी स्टार्ट करे वो हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में सो लेट अस सी व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट इज़ ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल और बोथ तो कंपनी जो है वो कैपिटल पैसे जो है बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को चलाने के लिए बहुत अलग अलग सोर्सेज से लेके आती है मतलब अलग अलग जगहों से पैसे लेके आती है एक तो कंपनी के खुद के पैसे होते हैं मतलब जो भी बिज़नेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके पास अपने खुद के थोड़े बहुत पैसे तो होंगे जो उसको कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पे वो अपना खुद का पैसा भी लगाएगा वो हो जाएगा ओन कैपिटल और दूसरा हो जाएगा बोरड कैपिटल बोरड कैपिटल मतलब हो सकता है कि उसके पास जितने पैसे हैं वो सफिशेंट ना हो पूरे ना पड़े तो बाहर से लोन लेने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो हो जाएंगे हमारे बोरोड कैपिटल तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए हम अपने खुद के पैसे भी लगा सकते हैं और कहीं से लोन लेके भी हम अपने कंपनी में पैसे लगा सकते हैं या तो फिर थोड़ा सा अपना पैसा और थोड़ा सा लोन लेके दोनों हम कंबाइन करके कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे लगा सकते हैं द ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्रिफरेंस शेयर कैपिटल रिज़र्व एंड सरप्लस तो ओन्ड कैपिटल मतलब कंपनी के जो खुद के पैसे होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एक तो वो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल होता है दूसरा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होता है और तीसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस ये सारे जो कैपिटल होते हैं पैसे होते हैं जो कंपनी इशू करती है शेयर्स और रेज करती है फंड्स वो कंपनी के खुद के पैसे होते हैं दैट इज़ ओन्ड कैपिटल ऑन दी अदर हैंड बोरो सोर्सेस आर डिबेंचर्स लोन्स एक्सेट्रा और बोरोड फंड्स क्या होंगे जो हम बाहर से एज ए लोन लेते हैं तो उसमें डिवेंचर्स और लोन आ जाता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर यूज इन कैपिटल स्ट्रक्चर इट इज़ नथिंग बस्ट सिक्योरिटी मिक्स तो दोनों सोर्सेज का एक मिक्स और एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए मतलब कंपनी में अपने हाथ के जो पैसे हैं खुद के पैसे वो भी लगाए होने चाहिए और हम बाहर से जो बोरो करते हैं लोन लेते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कंपनी के कैपिटल में और राइट right? इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी मिक्स नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रपोर्शन टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है अलग अलग सोर्स अलग अलग जगहों से जहाँ से हम पैसे लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड डिजायर्ड प्रपोर्शन जितना हमें चाहिए उतना पैसा हम अलग अलग जगहों से लेकर आ रहे हैं ओल्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का रेशियो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए बिजनेस को कंपनी को स्टार्ट करने के लिए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू आर एच वैली द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज तो क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स मतलब जो पैसे हमारे बिजनेस में हमारे कंपनी में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर दूसरा है जॉन हैम्पटन अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन द डेप्थ एंड इक्विटी तो किसी भी बिजनेस का किसी भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी मतलब हमने उधार पे जो लोन पे जो पैसे लिए हैं वो और हमारे खुद के जो पैसे लगाए हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों का रिलेशन जो है वो मिलकर बनता है हमारे कंपनी का पैसा सिक्योरिटीज दैट मेक अप द फर्म्स फाइनेंसिंग फॉर इट्स एसेट्स तो दोनों जो पैसे हैं डेप्थ एंड इक्विटी दोनों हम कंबाइन करते हैं मिलाते हैं और फिर हम अपने कंपनी को स्टार्ट करते हैं फाइनेंस जो है कंपनी में फंड्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट हम कंपनी का प्रॉपर्टीज एसेट्स जो हैं वो परचेज कर सकें ऑल राइट दस कैपिटल स्ट्रक्चर इज कम्पोज ऑफ ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो कंपनी का पूरा पैसा है वो दो अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन है एक तो कंपनी के खुद के पैसे जो हम ओन फंड्स बोलते हैं जिसको और एक बोरोड फंड जो हम लोन लेकर आते हैं ओन फंड्स इंक्लूड्स शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस तो ओन फंड्स में कौन कौन से पैसे आते हैं एक तो शेयर कैपिटल हो गया दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया ये कंपनी के अपने खुद के पैसे होते हैं वेर एस बोरोड फंड्स रिप्रेजेंट डिबेंचर्स बैंक लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइडेड बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बोरोड फंड्स मतलब हम कहीं से पैसे ले आते हैं किसी से उधार लेते हैं किसी से लोन लेते हैं तो बाहर के पैसे को बोलते हैं बोरोड फंड्स तो वो कौन कौन से हो जाएंगे डिबेंचर्स हो जाएंगे बैंक से जो हमने लोन्स लिया है वो लॉन्ग टर्म लोन्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है वो हो जाएंगे हमारे बोरोड फंड्स ऑलराइट राइट आगे देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर तो पूरे कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है तो देख लेते हैं क्या है देर आर फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर दे आर एस फॉलोस तो बेसिकली फोर कैपिटल कंपोनेंट है देख लेते हैं क्या है फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है तो कंपनी के अपने खुद के पैसे होते हैं जो भी पर्सन इक्विटी शेयर परचेज करता है वो कंपनी का ओनर हो जाता है ऑल राइट शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या सुना होगा तो ये हो गया शेयर्स तो यहाँ पे हम शेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं क्या है तो पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस तो बिजनेस में जो सबसे पहला पैसा लगता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल जे कैपिटल से ही हम लेते हैं रेज करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल लोगों को प्रोवाइड कर लोगों को हम शेयर्स जो हैं वो सेल करते हैं मतलब लोग जो है शेयर्स परचेस करेंगे इसका मतलब वो हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे लगा रहे हैं तो सबसे पहला जो है सोर्स फाइनेंसिंग का कंपनी में बिजनेस में वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ़ कैपिटल आफ्टर इट इज़ पेड टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल तो जो भी पर्सन जो भी इंडिविजुअल इक्विटी शेयर परचेज करता है और कंपनी में पैसे लगाता है वो कंपनी का ओनर हो जाएगा उसे डिविडेंड मिलेगा ऑल राइट right, मतलब कंपनी में पैसे लगा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं लगाएगा सिर्फ मालिक बनने के लिए उसे प्रॉफिट भी चाहिए होगा तो जो प्रॉफिट होता है जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है हम उसे डिविडेंड बोलते हैं तो डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब हो सकता है उसके पैसे उसको वापस भी चाहिए होंगे तो वो तब मिलेंगे जब एक बार प्रेफरेंस शेयर्स को जो प्रेफरेंस शेयर्स जो पर्सन परचेज़ करता है उसको पैसे दे देने के बाद इक्विटी शेयर्स वालों को अपने पैसे मिलेंगे दे ओन द कंपनी क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो परचेज करता है जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर होता है तो जो मालिक होता है पैसे सबसे लास्ट में उसी को मिलेंगे दे बेर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप तो क्योंकि वो कंपनी के ओनर्स हो जाएंगे जो इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं वो कंपनी के ओनर हो जाएंगे तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी उनके पास ही होता है दे क्या डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफिट्स तो उनको जो डिविडेंड मिलता है मतलब जितना प्रॉफिट अगर कंपनी में होगा उसके हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा उनका डिविडेंड जो है वो फ़िक्स नहीं होता अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा और अगर कंपनी का प्रॉफ़िट कम होगा तो उनको डिविडेंड भी कम मिलेगा तो उनका जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग है फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होते रहता है उनका रेट ऑफ डिविडेंड नेक्स्ट इज प्रिफरेंस शेयर्स तो शेयर कैपिटल क्या है प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रिफ्रेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल वन द कंपनी इज लिक्विडेटेड दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्सड रेट तो प्रिफ्रेंस शेयर्स जो हैं मतलब जो भी इंडिविजुअल प्रिफरेंस शेयर परचेज करता है और कंपनी में पैसे लगाता है उनको डिविडेंट पहले मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने से पहले प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा दैट इज़ प्रॉफ़िट जो होगा सबसे पहले डिविडेंड इनको मिलेगा और अगर जब कंपनी लिक्विडेट होती है मतलब जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो सबसे पहला प्रिफ्रेंस जो है सबसे पहला पैसा जो है वो प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा और प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स अमाउंट रहता है उसका जैसे इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड मिलता है मतलब अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंट ज़्यादा प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम लेकिन प्रिफरेंस शेयर्स वालों का ऐसा नहीं होता है अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी भी एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड जो है वो उनको मिलेगा अगर प्रॉफिट कम भी होगा तो जितना अमाउंट उनका फिक्स किया गया है डिविडेंड का उतना ही मिलेगा ऑल राइट नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग तो रिटेन अर्निंग्स क्या होता है इट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इट इज़ नथिंग बट फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है मतलब जब कंपनी का खुद का प्रॉफिट होता है तो जो प्रॉफिट है उनमें उस उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो हम सेव करके रख देते हैं सो दैट फ्यूचर में हमें वो प्रॉफिट जो है वो वापस कंपनी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स दैट इज़ कंपनी का वो अपना खुद का पैसा है कंपनी के अंदर से ही आया है हमने प्रॉफिट अर्न किया है काफ़ी तो उसमें से कुछ पार्ट हम रख देते हैं सेव करके और काफ़ी साल तक वो पार्ट जो होता है प्रॉफिट का वो बचा के रखा जाता है और जब कंपनी को बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो वो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं लेके आते हैं मतलब प्लोइंग बैक प्रॉफिट जो जमा करके रखा है उसको फिर से लेके आना कंपनी के अंदर और इन्वेस्ट करना लगाना उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग नेक्स्ट इज़ बोरोड कैपिटल तो बोरोड कैपिटल क्या है इट कम्प्राइज बोरोड कैपिटल मतलब बाहर के पैसे जो कंपनी के खुद के पैसे नहीं है हमने किसी से लिए हैं वो पैसे जो हमें रीपे करना है वो एज अ लोन होता है तो so, उसमें अलग अलग दो हैं एक है डिबेंचर्स दूसरा है टर्म लोन तो डिबेंचर्स क्या है इट इज़ एक्नोलजमेंट ऑफ लोन रेज बाय कंपनी कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट तो जब भी कंपनी को डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है तो मतलब क्या कर रही है कंपनी को लोन चाहिए होगा उसके लिए कंपनी डिबेंचर्स रेज करती है और जो लोग भी डिबेंचर्स परचेज करते हैं वो कंपनी को लोन दे रहे हैं और उसके ऊपर कंपनी उनको एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पे करती है तो जो लोग भी इंटरेस्ट डिबेंचर्स लेते हैं उनको डिविडेंड नहीं मिलता है उनको इंटरेस्ट मिलता है नेक्स्ट इज टर्म लोन तो ये नाम ही है टर्म लोन टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो टर्म लोन क्या है ये एक लोन है जो बैंक से कंपनी लोन लेती है या तो फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो लोन प्रोवाइड करता है कंपनी लोन लेगी बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उसके ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक को पे करेगी टू अंडरस्टैंड दी अबाउ कंसेप्ट वी आर कंसिडर फॉलोइंग बैलेंस शीट्स एंड कैलकुलेट द वैल्यूज तो ये जो हमने पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर अभी स्टडी किया उसके उसका जो बैलेंस शीट है वो देख लेते हैं हम क्या है जस्ट एक एग्जाम्पल है ओवर है तो हम इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं तो बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी कंपनी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन तो यहाँ पे एसेट्स है एक साइड में अमाउंट है दूसरा साइड लाइबिलिटी एंड अमाउंट है तो पहला है लाइबिलिटी दूसरा है एसेट तो एसेट क्या होता है जो कंपनी के पैसे होते हैं मशीनरीज बिल्डिंग्स डेटर्स मतलब यहाँ पे एसेट साइड में हमें पैसे आने वाले होते हैं जो हमारी कंपनी में पैसे हमको मिलने वाले होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं लाइबिलिटीज में जो हमें कंपनी को कंपनी को जिसको बाहर पैसे पे करने हैं वो होता है लाइबिलिटीज़ तो यहाँ पर लाइबलिटी साइड में शेयर हो शेयर कैपिटल गिवन है जिसमें इक्विटी शेयर्स हैं प्रिफरेंट शेयर्स है तो इक्विटी शेयर्स गिवन है वन लाख के इक्विटी शेयर्स हैं एंड प्रिफ्रेंस शेयर्स कितने हैं फाइव लाख के रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कंपनी के अपने खुद के पैसे हैं वो है फिफ्टी थाउजेंड लाइबिलिटीज़ जो हैं मतलब कंपनी ने जो लोन लिया है वो कितना है वन लाख और सेंडरी क्रेडिटर्स जो हैं मतलब हमें पे करना है किसी को तो वो हमारी लाइबिलिटी साइड ही आएगा थर्टी थाउजेंड और बिल्स पेबल जो हमें बिल जो है वो पे करना है तो वो ट्वेंटी है एंड एसेट्स में बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी है फोर लाख टू लाख का और एसेट्स हैं कुछ अमाउंट है दैट इज़ सन्डे डेटर्स मतलब पैसे आने बाकी हैं कंपनी में ये पैसे आएंगे तो एक लाख आएंगे वो हमारा एसेट इन्वेंट्रीज मतलब जो स्टॉक होता है जो सामान पड़ा है वो फिफ्टी थाउजेंड का सामान है मतलब जब हम उसे सेल करेंगे तो पैसे आएंगे तो कंपनी में फिफ्टी थाउजेंड वापस आने ही वाले हैं तो स्टॉक फिफ्टी थाउजेंड का है हमारे हाथ में कंपनी में कैश है पड़ा तो वो टेन थाउजेंड का है और बैंक में कुछ कैश पड़ा है वो फोर्टी थाउजेंड का है तो ये पूरा बैलेंस शीट है जो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में तो आपने स्टडी किया होगा ये जस्ट एग्जाम्पल है ये ऐसा होता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर और राइट नीचे दिया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू तो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या किस तरीके से फॉर्म होता है तो इक्विटी शेयर प्रिफ्रेंस शेयर रिजर्व्स और डिबेंचर्स ये सारे चीज़ मिला के कंपनी का कैपिटल बनता है कंपनी के पूरे पैसे मिलते हैं तो इक्विटी शेयर्स कितने था वन लाख प्रिफ्रेंस शेयर्स था फाइव लाख हमारा रिजर्व था फिफ्टी थाउजेंड और डिबेंचर्स जो हमने बाहर का लोन लिया है वो हमारा था वन लाख तो टोटल हम करेंगे तो ये होता है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो ये कंपनी के पैसे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर तो ओन्ड जो कैपिटल होता है वो कौन कौन सा होगा इक्विटी प्रिफ्रेंस एंड रिजर्व ये कंपनी के ओन्ड कैपिटल थे और डिबेंचर्स कंपनी का बोरोड कैपिटल था इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के होता है कैपिटल स्ट्रक्चर जो था सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड और राइट सो आई होप आपको ये पूरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक था वो समझ में आया होगा बहुत छोटा टॉपिक था बट काफ़ी डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे बाद में आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो था वो समझ में आया होगा कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक भी हमने कवर कर लिया और यहाँ हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस ये कंप्लीट हुआ आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा फोर पार्ट्स में चैप्टर अवेलेबल है आप चारों पार्ट्स देख सकते हैं चैनल पे जाके सो so, Thank you for your time.